चाट। ओके सो दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है अलर्ट मोशन। अगर आपके फ़ोन में अलर्ट मोशन नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाकर के अलर्ट मोशन ले सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो ऑल मटेरियल के बॉक्स में आपको दो लिंक मिलेगा, एक सॉन्ग बीट मार्क, एक साइक इफेक्ट। दोनों लिंक पे क्लिक करके आपको डायरेक्ट ही अलर्ट मोशन में इनपुट कर लेना है। और इस स्टेटस में जितना फोटो वगैरह यूज हुआ है सारे मेरा टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विवेक साइड, जाकर के सर्च करके ओपन कर लेना है। और भी में जब भी आपने देखा है पावर स्टार पवन सिंह का बहुत ही कमाल का ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो कि बोलबम के ऊपर होने वाला है। मुझे उम्मीद है जब आपको प्रव्यू पसंद आया होगा। अगर प्रव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना। तो मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद अलर्ट मोशन ऐप को ओपन करना। अलर्ट मोशन ऐप को जैसे ओपन करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसमें से नीचे देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट का फाइल दिखता है, इस पर क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ऊपर में देखो यहाँ पे न्यूज़ बोलबम सॉन्ग जो है सॉन्ग बीट मार्क और यहाँ पे सैक इफेक्ट, ये दोनों अभी मैंने जो इसको इनपुट किया हूँ यही दोनों है। तो इसको क्या करना है, पहले सॉन्ग बीट मार्क को ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो नीचे में मैंने सारे जगह नंबर भी बैठा दिया हूँ और इफेक्ट भी बीट भी सारे जगह जहाँ जहाँ लगाना था और मैंने लगा दिया हूँ। तो देखो इस हिसाब से सारे जगह मैंने बीट भी बैठा दिया, इफेक्ट भी जहाँ जहाँ हार्ड इफेक्ट था वो भी मैंने लगा दिया हूँ। तो इसको आप क्या करना है, इसमें फ़ोटो क्रिएट करना है। फ़ोटो कैसे क्रिएट करना है, फर्स्ट में आ जाना। आने के बाद यहाँ पे जो प्लस क्या करना है, इस प्लस पे क्लिक करना। इस प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मीडिया का जो ऑप्शन है इस मीडिया पे क्लिक करना। इस मीडिया पे क्लिक करने के बाद इस बॉक्स पे क्लिक करके जिस फाइल में आपका फ़ोटो है इस फाइल में जा करके फ़ोटो ले लेना है। तो इस फाइल में मेरा फ़ोटो है तो कोई सा भी मैंने फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये फ़ोटो ले लेता हूँ, कोई सा भी एक फ़ोटो ले सकते हो। तो ये फ़ोटो मैंने ले लिया। लेने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ पर थ्री डॉट पर चले जाना। थ्री डॉट पे जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे फिल कॉम्पोजिशन एरिया जाए इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो तीर का एरो दिखता है इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद एक्स्ट्रा फोटो जो है इसको बीट के बराबर ही रखना है, इसको कट कर देना। कट करने के बाद क्या करना है, एक नंबर का फ़ोटो मैंने लगा दिया हूँ। लगाने के बाद क्या करना है, बाइक चले जाना सैक इफेक्ट में। सैक इफेक्ट में जाने के बाद एक नंबर का जो फ़ोटो है, जैसे एक नंबर है, एक नंबर के नीचे कौन सा फ़ोटो, ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो पर क्लिक करना। इस फोटो पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट पे जाना। इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे जाना। थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे कॉपी इफेक्ट कर लेना। यहाँ से कॉपी करने के बाद बाइक फिर से सॉन्ग बीट मार्क में चले जाना है। सॉन्ग बीट मार्क में जाने के बाद एक नंबर का जो अभी मैंने फ़ोटो लगाया हूँ इस फ़ोटो पर क्लिक करना। इस फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद इफेक्ट पर जाना। इफेक्ट पर जाने के बाद क्या करना, थ्री डॉट पर जा करके इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद ये देखो पेस्ट हो गया। तो एक नंबर के मैंने फ़ोटो और इफेक्ट दोनों लगा दिया हूँ। लगाने के बाद इसको क्या करना है, दो नंबर के लेना। दो नंबर के लेने के लिए क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे फिर से क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद कोई सा भी फ़ोटो ले लेना है, तो कोई सा भी फ़ोटो मैंने ले लिया। लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पर चले जाना। थ्री डॉट पे जाने के बाद फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे चले जाना। फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीर वाला एरो पे क्लिक करके एक्स्ट्रा पट के कट कर देना। एक्स्ट्रा पट को कट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से चालू हो करके और यहाँ तक जो है आपको लगातार, आपको यहाँ तक जो है ना जहाँ पे दो नंबर लगा है यहाँ तक आपको क्या करना है, फ़ोटो यहाँ पे दो नंबर का लगा लेना है। तो मैंने फटाफट से लगाता हूँ। प्लस पे क्लिक करना। प्लस पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद दूसरा कोई भी फ़ोटो ले लेता हूँ। लेने के बाद क्या करना है, थ्री डॉट पे जा करके फिल कॉम्पोजिशन या क्लिक करके तीर वाला रूप क्लिक करके आगे बढ़ा करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट करना। इस हिसाब से क्या करना है, इसके अंदर में जो फ़ोटो है इतना दूर आप फटाफट से फ़ोटो लगा लीजिएगा। तो मैंने फटाफट से फ़ोटो लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस जगह पे मैंने फ़ोटो लगा दिया हूँ। देखो दो दस पंद्रह फ़ोटो तो मैंने सारे में लगा दिया हूँ। एक नंबर पे मैंने इफेक्ट लगा दिया हूँ। अब दो नंबर में जो इतना दूर इफेक्ट लगेगा ये इफेक्ट अभी मैंने नहीं लगाया हूँ। तो क्या करना, बाइक चले जाना सैक इफेक्ट में। सैक इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे दो नंबर का जो इफेक्ट है वो कॉपी कर लेना। तो दो नंबर देखो इस जगह पे, इसके नीचे कौन सा फ़ोटो, ये फ़ोटो, इस फ़ोटो पर क्लिक करना। इस फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद इफेक्ट पर जाना। इफेक्ट पर जाने के बाद थ्री डॉट पर जाना। थ्री डॉट पर जाने के बाद इफेक्ट कॉपी इफेक्ट कर लेना। करने के बाद फिर से सॉन्ग बीट मार्क में चले जाना। सॉन्ग बीट मार्क में जाने के बाद दो नंबर के अंदर जितना फ़ोटो है सब फ़ोटो पे यही इफेक्ट लगेगा।
तो जैसे कि मैंने देखो यहाँ से दो नंबर स्टार्ट है, देखो दो नंबर यहाँ से स्टार्ट है, तो इस यहाँ पे मैंने इस फोटो पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट पे जाना, इफेक्ट पे जाने के बाद थ्री डॉट पे जाना, थ्री डॉट पे जाने के बाद इसे भी पेस्ट कर देना। इस हिसाब से आपको क्या करना है, दो नंबर यहाँ से चालू है, देख लेता हूँ, यहाँ से चालू दो नंबर और यहाँ तक दो ही नंबर, इसके अंदर जो फोटो है इस पे सारे पे दो नंबर इफेक्ट लगा देना। मैं शुरू में लगा दूँ और फर्स्ट लास्ट वाला में लगा देता हूँ, ऐसे ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस पे क्लिक करना फोटो पे, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे जाना, इफेक्ट पे जाने के बाद थ्री डॉट पे जा करके इसे भी पेस्ट कर देना। इस हिसाब से दो नंबर तक लगा दिया हूँ, तो यहाँ पे दो नंबर तक फोटो और इफेक्ट मैंने लगा दिया हूँ। लगाने के बाद थोड़ा सा आगे देख लेता हूँ क्या है, यहाँ पे देखो अभी है, तो इसके नीचे देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या करना है, जूम कर लेना। जूम करने के बाद यहाँ पे देखो चार जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन में नीचे देखो यहाँ पे इमेज जो लिखा है इस पर क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इतना ऑप्शन आ जाएगा, इतना ऑप्शन में क्या करना है, यहाँ पे जो कलर एंड फील है इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो स्टार का आइकन है, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करोगे तो आपको गैलरी ओपन हो जाएगा, तो कोई सा भी फ़ोटो जो अच्छा फ़ोटो इस पर लगा लेना। तो जैसे कि मैंने ये फ़ोटो ले लेता हूँ, ये फ़ोटो दे दे, इसको लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके इसे ऐड कर देना। इसको ऐड करने के बाद देखो यहाँ पर ऐड हो गया। होने के बाद इसके आगे देखता हूँ क्या, इसके आगे देखो ये यहाँ पर भी इमेज ही लिखा है, तीस इमेज वाला पे फिर से क्लिक करना। क्लिक करने के बाद फिर से कलर एंड फिल पे चले जाना। कलर एंड फिल पे जाने के बाद फिर से स्टार ब्लाइकन पे चले जाना। स्टार ब्लाइकन पे जाने के बाद फिर से यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से भी कोई सा भी एक फ़ोटो ले लेना। तो फिलहाल मैंने कोई सा भी ले लेता हूँ, तो ये फ़ोटो मैंने ले लिया। लेने के बाद इसे भी प्लस पर क्लिक करके इसे ऐड कर देना, तो ये भी ऐड हो गया। होने के बाद इसके आगे देखता हूँ मैं क्या, इसके आगे भी देखो यहाँ पर भी इमेज लिखा हुआ है, दिखता होगा इस जगह पर, इस पर भी फोटो ऐड करना है, तो इस पर भी क्लिक करना। इस पर भी क्लिक करने के बाद फिर से कलर एंड फिल पे जा करके स्टार आइकन पे जा करके यहाँ पे भी कोई अच्छा कोई भी फ़ोटो एक लगा देना। तो मैंने ये फ़ोटो लगा लेता हूँ, लगाने के बाद इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये सेट हो चुका है, तो इस हिसाब से इसमें भी कर लेना। करने के बाद आगे देख तो यहाँ पे भी देखो इमेज दिखने को मिल जाएगा, तो इस इमेज वाला पे फिर से क्लिक करना। क्लिक करने के बाद कलर एंड फिल पे जाना, कलर एंड फिल पे जाने के बाद फिर से स्टार आइकन पे, स्टार आइकन पे जाने के बाद इसमें भी फ़ोटो लगेगा आपको, जिसमें भी कोई सा भी एक फ़ोटो थोड़ा जूम वाला जो है वो वाला फ़ोटो लगा देना। तो ये फ़ोटो मैंने लगा दिया, लगाने के बाद प्लस पर क्लिक करके इसे भी ऐड कर देना, तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखो तीन नंबर है, तो तीन नंबर में भी आपको ये फ़ोटो ही लगाना। तो यहाँ पे देखो आ जाना, यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, प्लस सेकंड पे चले जाना। प्लस सेकंड पे जाने के बाद मीडिया पर जाना, मीडिया पर जाने के बाद कोई सा भी फ़ोटो जो नहीं लगा है वो फ़ोटो ले लेना। तो फ़ोटो लेने के बाद फिर से थ्री डॉट पर जा करके फिल कंपोजिशन एरिया पर जा करके इसे भी तीर ब्लर पर जा करके स्टॉप पट्टी से कट कर लेना। कट करने के बाद क्या करना है, इस हिसाब से आपको तीन नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक तीन ही नंबर है, इस सारे जगह फ़ोटो आपको लगा लेना है। तो मैं फटाफट से फ़ोटो लगा लेता हूँ, तो मैंने तीन नंबर का भी सारे जगह फ़ोटो लगा दिया हूँ। यहाँ पे भी तीन नंबर में भी जो फ़ोटो था वो भी मैंने लगा दिया हूँ। क्या करना है, बाइक चले जाना सैक इफेक्ट में। सैक इफेक्ट में जाने के बाद वहाँ पर तीन नंबर का भी फ़ोटो का कॉपी कर लेना है। इफेक्ट ये तीन नंबर, तीन नंबर के नीचे जो फ़ोटो है ये फ़ोटो है, इसको कॉपी करना है। इफेक्ट पर जा करके इसे थ्री डॉट पर जा करके इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद वहाँ पे सॉन्ग बीट मार्क में चले जाना। सॉन्ग बीट मार्क में जाने के बाद तीन नंबर में अभी जितना फ़ोटो लगाए हूँ सब में ये इफेक्ट लगा देना। तो ये है तीन नंबर के, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से इस फ़ोटो पे क्लिक करना। इस फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट पे जाना, इफेक्ट पे जाने के बाद थ्री डॉट पर जा करके इसे पेस्ट कर देना, थ्री डॉट पर जा करके इसे पेस्ट कर लेना। इस हिसाब से आपको क्या करना है, तीन नंबर पर जितना ये फ़ोटो है यहाँ तक यही इफेक्ट लगेगा, इस फ़ोटो पर क्लिक करके इफेक्ट पे जा करके इसे थ्री डॉट पे जा करके इसे पेस्ट कर देना है। तो इस हिसाब से आपको पेस्ट कर देना है पूरा ये तीन नंबर में। उसके बाद आप सब कुछ तो मैंने इसमें कर दिया हूँ, और उसके बाद यहाँ पे जो आग वाला जो ऑप्शन है इस जगह पे, ये आप अभी नहीं मैंने आपको करके दिखाया हूँ। इस जगह पर सात, इस बीट से चालू होगा 7:29 से लेकर के यहाँ तक जो आपको चालू है 9:24 तक, इसके बीच में जो आग वाला जो आपने वो स्टेटस में देखे एनिमेशन, ये वाला अभी तक मैंने आपको करके नहीं दिखाया हूँ। तो अब मैंने दिखा रहा हूँ कैसे होगा ये आग वाला। तो यहाँ पे क्या करना है, कोई सा भी एक फ़ोटो को क्या करना है, आपको पीएनजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, क्रोम को ओपन करना। क्रोम को ओपन करोगे तो यहाँ पर लिख देना है रिमूव डॉट वीज, जो यहाँ पर है मैंने ऑलरेडी लिखा था, तो इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो ऊपरे में आ जाएगा रिमूव इमेज बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करना पहला ऑप्शन पर।
इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो नीचे में अपलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद कोई सा भी एक फ़ोटो ले लेना है यहाँ पे। तो गैलरी को ओपन करने के बाद कोई सा भी फ़ोटो मुझे यहाँ पे लगाना है, तो जैसे कि मैंने कोई भी फ़ोटो ले लेता हूँ, तो कौन सा फ़ोटो लेना, कोई सा भी ये फ़ोटो मैंने मान के चले ले लेता हूँ। ये फ़ोटो ले लिया तो इस पर देखो यहाँ पे इसको क्या करना, ऑटोमेटिक ही इसको रिमूव कर देगा बैकग्राउंड का पूरा। तो देखो अभी रिमूव हो रहा है, एक दो सेकेंड लग सकता है। इसका देखो यहाँ पे पूरा रिमूव कर चुका है। तो रिमूव होने के बाद क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना। तो डाउनलोड के नीचे में यहाँ पे ऑप्शन दिखता है, तो इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ ऊपर में फाइल डाउनलोड भी हो चुका है। होने के बाद फिर से चले जाना है आपको अलाइट मोशन में, यहाँ पे जो 7.29 जो है सेकेंड, यहाँ पे आ जाना। आने के बाद यहाँ पे क्या करना, प्लस पे क्लिक करना। प्लस पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड फाइल में चले जाना है। तभी मैंने अभी डाउनलोड किया तो डाउनलोड फाइल में मिल जाएगा। तो डाउनलोड में चला गया हूँ। जाने के बाद अभी यही फ़ोटो को मैंने क्या किया, इसको बैकग्राउंड रिमूव किया। करने के बाद इसको क्या करना, थ्री डॉट पर जाकर किसी भी फुल स्क्रीन कर देना है। तो फुल स्क्रीन मैंने इसको कर दिया। करने के बाद क्या करना, इसको भी तीर के बराबर ही रखना है, इफेक्ट के बराबर ही, उसके बाद बीट के बराबर ही रखना। उसके बाद इसे एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना। तो देखो मैंने इसको कर दिया हूँ, इस हिसाब से कर दिया हूँ। करने के बाद क्या करना है, इस फोटो पे क्लिक करना। इस फोटो पे क्लिक करने के बाद इसको क्या करना, डुप्लीकेट लेयर एक और बना लेना है। इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो डुप्लीकेट लेयर लिखा है, इस पर क्लिक करके इसको डबल फोटो बना लेना है। डबल फोटो बनाने के बाद क्या करना है, बाइक चले जाना साइक इफेक्ट में। साइक इफेक्ट में जाने के बाद इसको क्लिक करना। यहाँ के बाद इसको क्या करना है, कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के लिए क्या करना है, इस फोटो पे क्लिक करना है, नीचे वाला पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद थ्री डॉट पे जाकर किसी भी कॉपी इफेक्ट कर लेना है। तो इसको कॉपी करने के बाद क्या करना, फिर से सॉन्ग बीट मार्क में चले जाना है। सॉन्ग बीट मार्क में जाने के बाद अभी जो मैं बैकग्राउंड रिमूव करके जो मैंने फ़ोटो लगाया हूँ उस फोटो पर चले जाना। तो यहाँ पर मैंने ये फ़ोटो लगाया था। इस फोटो पर आने के बाद क्या करना, नीचे वाला फोटो पर क्लिक करना। इस फोटो पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट पे जाना। इफेक्ट पे जाने के बाद थ्री डॉट पे जाकर किसे भी पेस्ट कर देना। तो इसमें इसका पीछे भी देखो यहाँ पे आगे इस पर दिखने लगा है। तो इस हिसाब से आप भी कोई सा भी फोटो में आगे पीछे में लगा सकते हो। तो वीडियो पूरा ये पूरा स्टेटस रेडी हो चुका है। तो इसको सेव करने के लिए ऊपर में जहाँ पे तीर के रो दिखता होगा इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो पे सिलेक्ट है, इसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्टिंग हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।